नमस्कार, मैं पंडित रामकिशोर शर्मा विद्यानगर भोपाल से। पूर्व में चल रहे विषय से संबंधित जो चर्चाएं हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए त्राटक और ध्यान पर अपन चर्चा कर रहे थे। उससे पहले प्रथम पूज्य गजानन भगवान और माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं। सरल और सीधे शब्दों में यह बुद्धि के दाता गजानन भगवान, हम सभी को आप एक निर्मल बुद्धि दीजिए और वाणी की देवी सरस्वती सभी को अच्छी वाणी प्रदान करके सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दीजिएगा। इसी के साथ गुरु महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा हमारा यह जीवन सार्थक हो, ऐसे श्री गुरु चरणों में हम प्रणाम करते हुए ध्यान के संबंध में आगे चर्चा करते हैं। ध्यान, अंग्रेजी में इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा ही जिस सब्जेक्ट में अपन विषय में चर्चा कर रहे थे, कुंडलिनी जागरण के विषय में, ध्यान के द्वारा ही बहुत सरल रूप में अपनी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। पहले भी पूर्व में हमने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बताई, वह 100% सार्थक और सफल बनाने वाली है। आज भी हम उसी से संबंधित एक ऐसे रुद्रयामल तंत्र में कुछ प्रयोग आते हैं उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गायन के द्वारा भी आपका मन यदि किसी गाने में, किसी वजन में, किसी स्तोत्र में, लय के द्वारा यदि उसमें ध्यान लगता है मन, तो निश्चित रूप से आपकी आंतरिक शक्ति जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं वह धीरे धीरे जागृत हो जाती है, होती है। और जागृत क्या है कि इसके 6 पड़ाव हैं और 7वें पड़ाव मतलब सहस्त्रार में जाकर वह मिलती है, जो कि बहुत उच्च अवस्था है। इसके लिए हमारे वाह और आंतरिक शरीर का शुद्धिकरण भी होना बहुत जरूरी है। वाह शरीर का तो हम स्नान करके और भी कई साधन उससे शुद्धिकरण कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक तन और मन का शुद्धिकरण होना कुंडलिनी जागरण के पहले बहुत जरूरी आवश्यक है। उसके लिए हमको भजन का, भगवान के स्मरण का, भगवान की भगवत चर्चाओं का और अपने परोपकार की भावना को, किसी के साथ द्वेष वैर भाव ना हो इस प्रकार की भावना को हमारे अंतर में जागृत करना पड़ेगा। और हमारे अंतर के तन जिसको हम मन बोलते हैं उसको शुद्ध करके ही कुंडलिनी का रास्ता साफ करना पड़ता है, तभी वह आगे बढ़ती है। अन्यथा वह ये जो बुरे विचार बुरे कार्यों के द्वारा वह अपरोग उत्पन्न होता है उसमें, इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने अंतर के जो अंधकार है, बुरे कार्यों के बुरे विचारों के, जो नहीं चाहते हुए भी हमसे हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। इससे हमारी वे कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होने की अवस्था में रहती है उसके लिए रास्ता प्रशस्त हो। अतः आप सभी से निवेदन है कि भगवान का भजन कुछ समय निकाल कर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यदि कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विचार यदि आते हो तो आप हमारे फोन नंबर पर, व्हाट्सएप पर करके पूछकर
पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर दे दिया जाएगा, कोई शंका हो उसके समाधान के लिए, रोग से संबंधित, तन मन और धन से संबंधित, मानसिक शारीरिक सामाजिक आर्थिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप उसके लिए स्वतंत्र रूप से हमें फोन करके व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। जो गुरु महाराज माता जी की कृपा होगी उस समय विचार आएंगे, वह आपको समाधान के लिए बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार। जय राम जी की, जय गुरुदेव की, जय माता की।